सो गुड इवनिंग गाइज, लेट स्टार्ट विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कुछ सेशंस के लिए, बिकॉज आपके पास में एक डायमंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक स्विंग लो टेस्ट होने वाला है, चाहे हम लोग निफ्टी की बात करें चाहे हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 43,000 to 42,900 का एक ऐसा जोन है जो आपका स्विंग लो है, ठीक है, डेली चार्ट पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को ये जोन्स मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट्स पे, बिकॉज यहाँ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग डेली चार्ट पे स्विंग लोज देखते हैं तो उसे कम छोटे टाइम फ्रेम का आप लोग अपना सपोर्ट लेके और वहाँ पे काम कर सकते हो। तो डेली चार्ट पे हमने पे स्विंग लो को मार्क कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर पे देखते हैं कि मार्केट में अगर आप यहाँ पे देख के चलोगे तो इस एरिया पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र ये चीज़ आ रही है कि अगर हम ऑप्शन चीज थोड़ा सा कोरिलेट करिए, 43,000 का लेवल एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट एक बार को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से 250 पॉइंट की रैली बची हुई है, ठीक है। तो मार्केट में अगर इस लेवल पर टेस्ट होने के बाद में, मान लेते हैं मंडे को ये लेवल टेस्ट हो जाता है, ठीक है, टेस्ट होने के बाद में अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम से यानी कि 1 आवर पे 30 मिनट्स पे यहाँ पे हायर राइज क्रिएट कर देता है, देन हम लोग ऊपर के लिए रेडी हो जाएंगे इस जोन से। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये जोन ऐसे हैं जो कि इतने जल्दी ब्रीच नहीं होते हैं। अगर आप लोग स्विंग डेली चार्ट की बात करते हैं तो ये लेवल्स होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है बायर्स के लिए, बिकॉज बायर्स को एक अच्छा मोमेंटम चाहिए होता है और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट हम लोग को वेट करना है यहाँ पे हायर हाइज के बनने का, ठीक है। देन यहाँ से अगर हायर हाइज बनता है ओवर 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम, देन डेफिनेटली मार्केट यहाँ 700 पॉइंट का रैली जो है वो देखने को मिल सकता है विद इन सम सेशंस, राइट, विद इन सम सेशंस आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे हाई राइज क्रिएट कर देता है तो, राइट। एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, एंड निफ्टी के चार्ट पे भी सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इन लेवल्स को यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, राइट, कि मार्केट जो अभी लोअर लोज का पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो कहाँ तक के लिए कर रहा है, 18,000 तक के लिए, ठीक है। 18,000 मान लीजिए, या फिर वहाँ से 100-200 पॉइंट का अप डाउन मान लीजिए, ठीक है। बट अगर एक बार इस एरियाज पे जो यहाँ पे मार्क एरियाज है जो कि आपके स्विंग लोज के हैं, ठीक है, डेली चार्ट के स्विंग लोज के हैं, अगर मार्केट यहाँ पे हाई रेज क्रिएट करेगा, डेफिनेटली मार्केट में यहाँ से एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, एंड देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट जो है वो आपका न्यू हाईज भी टच कर सकता है, ठीक है। बट वी नीड दिस एरिया, यहाँ पे हम लोग को वेट करना है अपने हाई रेज के बनने का, ठीक है, जिसके बारे में हमने कई बार बात करी कि हाई रेज के पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्योंकि वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि वहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। और अगर वो सपोर्ट एरिया पे बन रहे हैं तो आप बहुत एक अच्छी रैली को कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, राइट। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर मंडे के दिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढनी है तो मंडे के लिए बात कर लेते हैं। मंडे के लिए निफ्टी के अंदर अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, राइट, तो आप लोग के लिए जो जोन्स है, जो मार्क जोन है वो कौन से, देखिए मार्केट यहाँ से लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, एक और लो, देन एक और लो, देन ऊपर, देन एक और लो, राइट। सो जो रीसेंट सप्लाई जोन है वो कौन सा है, आपका ये वाला है रीसेंट सप्लाई जोन, ये पूरा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ इस एरिया पे, ये पूरा आपका रीसेंट सप्लाई जोन है। लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया, देन यहाँ पे आपका 3 मिनट्स और 1 मिनट्स पे अगर एक लोअर लोज पैटर्न बनता है या फिर एम पैटर्न क्रिएट होता है, डेफिनेटली मार्केट फिर यहाँ से हम लोग सेलिंग की तरफ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरियाज होने वाले हैं, एक ये एरिया रहेगा और अगर थोड़ा सा और नीचे जाएँ तो आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये वाले एरियाज रहने वाले, ठीक है। ये दोनों एरिया में से मार्केट सेलिंग की तरफ पे रहेगा तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेल ऑन प्राइस का व्यू रहेगा। बट मेक श्योर आप लोग 18,000 तक के लिए रेडी रहना कि 18,000 बड़े लेवल का सपोर्ट है और वो जल्दी ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की मंडे के लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सेम यही चीज़ है, बट कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट एक लो क्रिएट किया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन मार्केट में यहाँ पे एक टेस्ट हुआ है, बट अभी तक में कोई फर्दर लो नहीं लगा है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक में तो ये नहीं लेके चलेंगे कि मार्केट यहाँ पे इसके लिए एक जोन क्रिएट कर रहा है सप्लाई का, बट हाँ मार्केट अगर हम लोग को रिट्रेस करते हुए इन एरियाज पे नज़र आई, ठीक है, अगर मार्केट हम लोग को मंडे के दिन रिट्रेस करते हुए इन एरियाज पे नज़र आती है, देन डेफिनेटली एम पैटर्न का यहाँ पे हम लोग लेके और यहाँ पे सेल की तरफ भी जा सकते हैं टिल दिस एरिया विच इज 43,000, बिकॉज देयर आर चांसेस कि मार्केट इस एरिया पे बार बार सपोर्ट देता है, बिकॉज 43,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके प्रोटेक्टर्स खड़े हुए हैं एज ऑफ नाउ फॉर द 22nd ऑफ द दिसंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए,
बिकॉज बैंक निफ्टी में फर्दर यहाँ से इस एरिया से डाउन जाने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट कहीं से भी बहुत बड़ी शूटअप कैंडल लेके रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो ये एरिया कंसोलिडेशन का ही रहने वाला है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, बट हाँ 43,200 का जो यहाँ पे एरिया आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, आप ये देखोगे दो बार यहाँ से बैक टेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे 43,087 यानी कि नियर बाय 43,000 का लेवल है, ठीक है। इसी वजह से बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कौन थे, पुट राइटर्स थे, ठीक है। और मेरा व्यू अभी कुछ दिनों के लिए क्यों बेरिश मोड पे चल रहा है, बिकॉज ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट में लोग कॉल राइटिंग की तरफ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और पुट राइटिंग में बहुत कम आपको देख रहे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन गो एंड चेक ऑन दी ऑप्शन डेटा, वहाँ पे आपको नजर आएगा कि कॉल डेटा कितना हैवी है और पुट डेटा बहुत ही लेस, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर समराइजिंग दैट कि जो भी मार्केट का कुछ दिनों के लिए व्यू रहने वाला है वो आपका बेरिश की तरफ में रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टुडेज मार्केट हाईलाइट्स। So during the pre-market session, which is before 9 AM, SX Nifty was trading at 18,410. वही अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 18,319 पर ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी 43,261 पर ओपन हुआ। टुडे अगेन मार्केट गिव्स द सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेडर एंड आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी फेल सिग्निफिकेंटली एंड क्लोज्ड नियर बाय डे लो 18,269 विच इज 145 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम इट्स प्रीवियस डे क्लोज एंड बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 43,290 आफ्टर लूजिंग 278 points. Now let's talk about today's Nifty top gainers and losers. So today's top gainers are Tata Motors, Hindustan Unilever, HDFC Bank, Nestle India and UPL. And top losers are Adani Port, M&M, BPCL, Asian Paints and Dr. Reddy's. Now let's talk about today's important news. So the first one is City Gas Distribution Company IRM Energy Limited has filed preliminary papers with capital market regulators SEBI to raise fund through an OFS of up to 1.0 crore equity. Second is commercial services company Evans Electric on Friday announced 1:1 bonus shares issue. Third is the Ministry of Finance slashed the tax on crude oil produced by firms such as State Owned Oil and Natural Gas Corporation to ₹700 per ton from the existing ₹4,900 per ton. A government notification said the ministry also cut the rate on diesel export to ₹5 per litre from ₹8 per litre in the fortnightly revision on a windfall profit tax. And if we talk about our international news, US put 36 more Chinese companies on trade blacklist. The inclusion of the companies in the trade entity list means the export licenses will likely to be denied for any US company trying to do business with them. तो ये थी आज मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो स्टॉक डैडी।